माँ दुख में सुख का एहसास है, माँ हर पल मेरे आसपास है, माँ घर की आत्मा है, माँ साक्षात परमात्मा है, माँ आरती अजान है, माँ गीता कुरान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। जैसा ही आपको आज पता है कि आज मदर्स डे है, तो मदर्स डे आप सबको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विशेष दिन है, तो हम सबको अपने माँ बाप का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई डे स्पेशल नहीं है, डे के अलावा ही हमें हमेशा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यही मेरा संदेश है आप सबको। और आज मदर्स डे है, तो मैं दो तीन लाइनें आप सबको माँ के ऊपर सुनाना चाहता हूँ गीत के द्वारा। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये बन है काटों का, तू फुलवारी है हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए तू जागी, मेरे लिए तू जागी सारी सारी रतियां। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए ये है मेरी बड़ी दीदी, और आज हम फिर आपके लिए कम मिल्किंग का वीडियो लिखा है। तो देखिए गाय के लिए कुट्टी में बगल रही है, इसमें भाटा मिला के चाटा मिला के इन्होंने कर लिया है कुट्टी का काम, और ये रख दिया गाय के सामने। गाय के बच्चा नहीं है, इस कारण इसको चाटे पे दूते हैं हम। ये देखिए ये नोजना बांध रहे हैं, जो रस्सी से नोजना बोलते हैं हमारे, आपके क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए नोजना बांध रहे, इसे टाइट बांधते हैं जिससे कि ये लात वात फेंके तो लगे नहीं। ये थोड़ी शैतान है, अभी कभी कभी लात उठा देती है, इस कारण हम नोजना बांधते हैं। देखिए ये इन्होंने तगारे रख दिए और एक डंडा भी रखा है। मैं बैठा हूँ सामने डंडा पकड़ के, क्योंकि मैं आ गया था आज, वो मुझे बिठा दिया कि एक ही जो गाय के थन हैं उनको अच्छी तरह पानी से साफ कर लेंगे, धो लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी जैसे बैठती करती है तो धूल मिट्टी लग जाती है, इस कारण हम पानी से साफ कर लेंगे। और अभी इसकी जो पाउस है वो भी यही है, पाउस से दूध उतारेगी अभी, तो थोड़ी देर इनके थनों को खींचना पड़ता है, उसके बाद ये दूध नीचे उतार लेगी गाय। बच्चा हो तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। ये देखिए बेचारे आराम से कुट्टी खा रही है ये, देखिए इसको थोड़ी देर ऐसे करेंगे फिर ये दूध उतार लेगी। देखिए वो सीधी गाय है, बाकी अधिकतर गायें नहीं दूध, बच्चा जैसे मरने के बाद नहीं दूध नहीं निकलवाती बेचारी, पर ये तो निकलवा रही है। अधिकतर हमारी भी गाय थी, उसका बच्चा मर गया था, पर फिर उसने दूध नहीं निकलवाया, फिर महीने भर की गाय को छोड़ना पड़ा हमें। देखिए हम दोनों बातें भी करें भाई बहन। देखिए एक हादसे हुई कि अभी जब तक ये दूध नहीं उतारेगी गाय, देखिए अभी इसको पवसा रहे हैं, पवसाना बोलते हैं जिससे दूध उतार। देखिए अभी पवस चुकी गाय, दूध उतार लिया मतलब इसने। देखिए बेचारी गाय आराम से कुट्टी खा रही है, मैंने इसका भी लिया है। देखिए मक्खी मक्खी रहती तो दिक्कत रहती थोड़ी छलने की इसकी। देखिए दोस्तों वैसे बहुत अच्छी गाय है, मतलब जब ये भी आई थी उसी समय मरा हुआ बच्चा हुआ था बेचारी इस गाय के, तो जब से दुआई रही है दो तीन महीने की होगी, और इसकी बच्चिया हुई थी इतनी सुंदर से मरी हुई हुई थी वो। देखिए
देखिए मक्खियाँ खा रही है इसलिए थोड़ी गर्दन भी इधर उधर कर रही है, बाकी वैसे नहीं उछलती है। देखिए पूछ से भी मक्खियाँ अपने तो हाथ पैर होते हैं, तो अपन कहीं से भी कुछ भी हो तो कर सकते हैं। बेचारी गाय के तो मक्खियाँ वगैरह कुछ खाती थी, ये पूछ से इधर उधर हिलाती, पूछ से उड़ाती है उनको। ये देखिए कुट्टी खा रही है आराम से, कितनी सुंदर गाय है। कितनी स्पीड से दूरी में दी थी गाय को, बहुत फास्ट जल्दी दूर लेती है गाय, बहुत काम करती है। दो दो गायों को रखना, उनको चारा खिलाना, दूना करना, बहुत ज़्यादा काम, हार्ड वर्किंग है। बच्चे भी हेल्प करवाते हैं, कभी नहीं करवाते, जैसे मुंडी है बच्चे, उनका मन होता तो करवा देते हैं, बाकी इन्हीं को करना होता है। सुबह 4:30 बजे उठ के बिलोना करना, सब कुछ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हम 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है मेरी बहन, ये 2 बहनें हैं, 2 बड़ी है, दोनों बहनें, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे 2 भाई हैं। कभी मैं आपको हमारे सब भाई, तीनों 5 भाई बहनों का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। छोटी बात दीदी आएगी कभी जब, बाकी ये तो हमारे इधर ही पास ही रहते हैं, तो चले जाता हूँ कभी कभी, हम वहाँ पर चले जाते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो में आगे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा जो गीत है मारवाड़ी शादी ब्याह में गाया जाने वाला, वो गीत भी है पीछे मम्मी के द्वारा गाया हुआ, मम्मी ने गाया मेरे, तो जरूर देखिएगा जरूर आप। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। और ये देखिए ये भांजा आ गया था, फिर मैं उठ के चला गया था, मुझे काम से जाना था इसलिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।